व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखने वाले हैं कंसोल के जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, जो कि जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हो गया, कंसोल डॉट वॉन हो गया, एरर हो गया, टेबल हो गया, टाइम हो गया, टाइम एंड हो गया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कंसोल में काफ़ी सारे ये जो है प्रॉपर्टी होती है, तो इनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कंसोल की जो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड यकीनन आपने आज से पहले कंसोल डॉट लॉग ही किया होगा सिर्फ, लेकिन आज के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें और जान जाएंगे और बहुत कुछ आप कंसोल के साथ कर पाएंगे, खेल पाएंगे उसके साथ। अभी जो आप जावास्क्रिप्ट के फाइल में देख रहे हैं, ये मेरा प्रीवियस वीडियो का कोड है जो मैंने आपको सिखाया था, जिसमें मैंने आपको फंक्शंस सिखाए थे और नॉर्मल फंक्शन भी मैंने आपको सिखाया था। एंड उसके बाद मैंने आपको फैट एरर फंक्शन सिखाया था जो कि हमारे ES6 में आता है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। इसके बाद मैंने आपको फंक्शन को कॉल करना सिखाया था विद इन द फाइल, कि फाइल के अंदर ही फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं बिना नाम दिए किसी फंक्शन को, और बिना उसके नाम से मतलब उसको फिर कॉल किए उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली रन कैसे किया जाता है डायरेक्टली फाइल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी, यानी कि फंक्शंस मैंने एक तरह से अच्छे से आपको सिखा दिए थे, फंक्शंस का बेसिक्स आपको क्लियर करा दिए थे, फंक्शंस में पैरामीटर्स कैसे देने हैं, पैरामीटर्स का यूज़ कैसे करना है, पैरामीटर्स की जगह वैल्यू कैसे देनी है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में सिखा दिया था, पर पिछले वीडियो पर डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए मैं इस कोड को हटा रहा हूँ। हटा दिया। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि मैंने अपने इस वेब पेज को, जैसे कि आप जानते हैं, हर बार की तरह लाइव सर्वर पर होस्ट किया हुआ है, तो मैं सीधा ही अपने वेब पेज पे जाता हूँ। राइट क्लिक करके ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, माउस से राइट क्लिक करें, फिर इंस्पेक्ट नाम के बटन पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर ऊपर आपको कंसोल दिख रहा होगा, कंसोल पर क्लिक करें। तो ये ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी कोडिंग की जो फाइल है इसमें भी बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तक हमने यहाँ पर कोई कोड नहीं लिखा है। तो सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है जो हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है, देखो हमारे पास होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग हम ज़्यादातर करते हैं, और इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, जो भी, ये देखो मैं कुछ भी लिख दिया और ये सब हमें यहाँ मिल जाता है कंसोल में, ठीक है, ये मिल गया। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लिया और इसके अंदर मतलब वैल्यूज़ हमने ले ली जो भी थी इस तरीके से, तो ये हमें कंसोल दे देता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कंसोल लिखा, ये कंसोल है, और जैसे ही मैं डॉट लिखूँगा तो आप देखिए मेरे को बहुत सारी इसकी अलग अलग जो है मेथड ही मुझे दिखा रहा है। कंसोल डॉट लॉग दिखा रहा है, वॉन्ट दिखा रहा है, इन्फो दिखा रहा है, असर्ट दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है, काउंट, ये सब क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या यूज़ है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनमें आपको जो सिखाने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, और मैंने अभी भी उसका एक एग्जांपल आपको देकर दिखा दिया है कि वो सिर्फ डेटा को एक तरह से प्रिंट करता है, वो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी जो कंसोल में डेटा को लॉग कर देता है। बेसिकली कंसोल में हमारा डेटा प्रिंट कर देता है, ठीक है, चाहे वो किसी वेरिएबल से आ रहा हो या फिर हमने खुद स्ट्रिंग उसको दी हो। अभी मैं सिखाता हूँ आपको एरर, ठीक है। एरर क्या होता है कि जैसे ही मैंने कंसोल डॉट एरर लिखा तो आप देख सकते हो कंसोल में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, उसका रीज़न ये था कि हमें इसके अंदर वैल्यू पास करनी होती है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ बताना होता है कि हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। कंसोल डॉट एरर का यूज़ होता है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मान लो मैंने अभी इसको मैंने कमेंट कर दिया और अभी मैं कुछ गलती कर देता हूँ, मैंने लेट करके कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो आप देखो मुझे कंसोल में एक एरर दिख रहा है, रेफरेंस एरर ये मुझे बता रहा है और कह रहा है कि लेट इज नॉट डिफाइंड एट मेरी फाइल के लाइन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो ना, ये एक एरर है। इस प्रकार के एरर्स जब आपको खुद से बनाने हो तब आप कंसोल डॉट एरर का यूज़ करते हो, और आप अपने खुद के एरर्स क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, पर मैं जैसे इसके अंदर कोई भी वैल्यू दूंगा तो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सब्सक्राइब नाउ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। तो ये देखो आप रेड कलर में यहाँ सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ देख सकते हो, और उसके आगे क्रॉस का साइन आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही ठीक जैसे हम एरर्स को देखते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने खुद के जो है एरर्स यहाँ बना सकते हैं कंसोल डॉट एरर का यूज़ करके। ये एरर्स दिखाने के लिए होता है, एरर्स शो करने के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास कंसोल डॉट वार्न, ये वार्निंग्स दिखाता है हमें,
ठीक है, वार्निंग्स, जैसे कि एरर से पहले हमेशा क्या चीज़ आती है, हमें एक वार्निंग होती है, एक होता है एरर और एक होती है वार्निंग। वार्निंग माने कि जो कि एक एरर तो नहीं होता है, बट आपके लिए एक चेतावनी होती है कि अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे या फिर आप इस तरीके के मेथड का यूज़ करेंगे, इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे, तो हो सकता है आपका काम आगे सही से ना चले, खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हमें एक वार्निंग देता है, एक चेतावनी देता है। तो वैसे ही अगर आपको कंसोल में कोई चेतावनी दिखानी हो, कोई वार्निंग दिखानी हो, तो हम कंसोल डॉट वार्न का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करते हुए इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो एक वार्निंग बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो हेलो हाउ आर यू, ऑलराइट, तो मैंने एक वार्निंग के तौर पर लिख दिया। तो आप देख सकते हो मुझे अब यहाँ एक वार्निंग के तौर पर ये हेलो हाउ आर यू ये मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा कंसोल डॉट वार्न। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंसोल डॉट क्लियर। कंसोल डॉट क्लियर, इसके अंदर आपको कभी भी कोई भी पैरामीटर नहीं देना है, कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि जैसे आप ये लिखोगे तो आप देखो कंसोल वॉज क्लियर्ड, कंसोल में दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है कि कंसोल में जितना भी डेटा होगा उसको क्लियर कर देगा, उसको साफ कर देगा, कंसोल में से सब कुछ हटा देगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ। हटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कुछ डेटा को लिखना। फिलहाल हमारे कंसोल में कोई डेटा ही नहीं है तो कैसे हटाएगा। तो मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हुए पहले तो इसके अंदर कुछ डेटा लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया हेलो, ठीक है, मैंने हेलो लिख दिया और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ कई बार। तो आप देख सकते हो हेलो आ गया बहुत सारी बार यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको बार बार कंसोल डॉट लॉग कराया है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं यहाँ पर कंसोल डॉट क्लियर करूँगा, इसको अनकमेंट कर दूंगा ना, मतलब कि एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद देखना कि यहाँ जितने भी हेलो लिखे हुए हैं सभी अपने आप साफ हो जाएंगे, एकदम हट जाएंगे। दिखाता हूँ आपको, तो मैंने इसको अनकमेंट किया और करते ही ये साफ कंसोल वॉज क्लियर लिखा हुआ आ गया। और मैं जैसे ही इसको दोबारा कमेंट आउट करूँगा तो फिर से हेलो हेलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए होता है, कंसोल में से क्लियर करने के लिए, सब चीज़ों को हटा दो, सबको एकदम हटा दो, ब्लैंक कर दो कंसोल को एकदम। ठीक है, तो ये होता है। तो मैंने आपको कंसोल डॉट लॉग सिखाया, एरर सिखाया, वॉन्ट सिखाया, क्लियर सिखाया। अब मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कंसोल डॉट टाइम। तो कंसोल डॉट टाइम लिखेंगे, तो जैसे आपने कंसोल डॉट टाइम लिखा तो अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली इसको यूज़ करने के लिए ना मुझे एक चीज़ का और यूज़ करना होगा, एंड दैट इज़ कंसोल डॉट टाइम एंड। टाइम एंड इसका मुझे यूज़ करना होगा। अब आप देख सकते हो कि हमें एक नंबर मिल रहा है डिफ़ॉल्ट करके 0.008300781255 ms, मतलब मिली सेकेंड्स। एक मिनट होती है, एक मिनट से छोटी होती है एक सेकेंड, और एक सेकेंड से भी छोटी होती है एक मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिली सेकेंड्स के अंदर एक डेटा मिल रहा है। ये सेकेंड्स में भी नहीं है, ये मिली सेकेंड के भी पता नहीं कितने के कौन कितना हज़ारवां हिस्सा हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये हिस्सा ये क्या है, ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कंसोल डॉट टाइम, आप ऐसे मानकर चलो कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, कोड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये वो टाइम नोट करता है, और जैसे ही आपका कोड एंड हुआ तो उसके बाद कितना समय लगा ये उस टाइम को कैलकुलेट करता है। टाइम एंड, टाइम मतलब कि टाइम स्टार्ट कब हुआ और टाइम एंड, फिर वो चीज़ आपको यहाँ दिखा दी जाती है कि कितना समय लगा इस चीज़ को होने में, इसको होने में टोटल कितना समय लगा। चलो मैं आपको एक और चीज़ से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ फोर लूप ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैं फोर लूप चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ फोर लिखा, लेट लेट आई इक्वल्स ज़ीरो, आई इज़ लेस देन 1000, आई प्लस प्लस, ओके। सो अभी आप लोग क्या देख सकते हो कि ये मैंने चला दिया फंक्शन एक, ठीक है, तो अब देख सकते हो कि आप इसको चलने में कितना समय लगा। आई जीरो था, आई को हज़ार तक पहुंचने में जितना भी समय लगा, ये शुरू हुआ सबसे पहले, तो फिर आई जब तक हज़ार तक नहीं पहुंचेगा, ज़ीरो से हज़ार तक नहीं पहुंच जाएगा हज़ार, ठीक है, तब तक ये टाइम को नोट करेगा, और उसके बाद जैसे ही ये अपनी इस कंडीशन को पूरा कर लेगा तो ये टाइम एंड पर, टाइम एंड वाला हमारा जो मेथड है ये चलेगा, और फिर ये वो सारा समय कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा। तो ये वो पूरा का पूरा समय है। ये वैल्यू आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में 68, लास्ट में क्या है 6875 मिली सेकेंड्स है। मैं अगर यहाँ 1000 को बदल करके इसे 10000 कर दूँ तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप देखना समय ज़्यादा लगेगा। ये देखिए समय ज़्यादा लगा, वैल्यू चेंज हुई, समय ज़्यादा लगा, हमें पहले से ज़्यादा समय लगा। मैं एक और जीरो लगा दूँ तो और ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए
अब हमें पूरे 3 मिली सेकेंड का समय लगा है, 3.35 मिली सेकेंड्स का हमें समय लगा है इसे आई को 0 से 1 लाख तक ये लूप चलाने में, ठीक है, इसमें इतना समय हमें लगा। तो इस तरीके से समय आपको निकालना हो अगर किसी एल्गोरिदम का कि उसे एग्जीक्यूट होने में मतलब पूरा कितना टाइम ले रही है वो एल्गोरिदम, तो आप इस तरीके से कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट एंड टाइम का यूज़ टाइम एंड का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। अब आते हैं एक और है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने, एंड दैट इज कंसोल डॉट टेबल। बहुत ही काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं कि सबसे पहले आपको पेरेंथेसिस देने हैं, ये तो सबसे कॉमन बात है, लेकिन इसके अंदर आपको स्क्वेयर ब्रैकेट्स देने हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट्स, जी हाँ, स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अब स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर मतलब होता है कि हम एक एरे बना रहे हैं, एक एरे, ठीक है। एरे आप लोगों को मैंने सिखा दिया अपने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर, वो देख लेना आप एरे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो और एरे के बारे में आप एक चीज़ जानते हैं कि एरे जो है ना 0 नाम के इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो होता है 0 से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। एरे इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जैसे कि मैंने लिख दिया, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ कलर के नाम लिख रहा हूँ, रेड, ब्लू, उसके बाद फिर आपने कोमा देना है, जिस तरह से आप एक एरे बनाते हैं, एक एरे आपको यहाँ बनाना है, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया ग्रीन, ठीक है। बस मैंने 3 ही वैल्यू दी है आपके लिए, ज़्यादा नहीं। तो अब आप यहाँ देखिए कंसोल में हमें एक टेबल मिल रही है, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में हमें अपना डेटा मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ लिखा तो टेबल के फॉर्म में नहीं था, लेकिन हमें मिल रहा है टेबल के फॉर्म में। देखो यहाँ पर हमें इंडेक्स मिल रहा है, यानी कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था कि एरे 0 से शुरू होता है, तो रेड हमारा 0 नंबर पर है, ब्लू 2 नंबर पर है, ग्रीन 3 नंबर पर है। तो 0, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, दैट्स वाई रेड हमारा 0 इंडेक्स नंबर, ब्लू 1, ग्रीन 2, और टोटल कितने हैं, कितना डेटा है इसके अंदर, 3 है, तो हमें एरे में 3 मिल रहा है। ये एरे की लेंथ है, ठीक है, ये सब मैं एरे वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपको अगर जो डेटा है वो एक टेबल के माध्यम से दर्शाना हो तो आप इस प्रकार से टेबल नाम के इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ आपको एक और अमेजिंग चीज़ करके दिखाना चाहूँगा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ अभी। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शंस के बारे में चूंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो मैं फंक्शन या क्या बनाऊंगा, मैं पर्सन नाम से मान लो एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो गई मेरे से। तो फंक्शन बना रहा हूँ मैं पर्सन नाम से, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर दूंगा। पहला पैरामीटर होगा मेरा फर्स्ट नेम, मैं कैमल केस का यूज़ करता हूँ, और दूसरा मैं दूंगा लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिस का यूज़ करते हुए, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स लास्ट नेम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो दिस जो है ना ये डिनोट करता है बेसिकली जिस चीज़ के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। अभी मैं इस पर्सन नाम के फंक्शन के अंदर हूँ, इसलिए मैंने दिस लिखा कि भैया इसके अंदर जो दिस है ना, दिस माने इसके अंदर का जो फर्स्ट नेम है वो इस फर्स्ट नेम के बराबर हो, वो इस फर्स्ट नेम के बराबर है, वो पैरामीटर को हम यहाँ पे पैरामीटर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने दिस का उपयोग किया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट मी लिख लिया, आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, वो तो वेरिएबल है, हम कुछ भी नाम से बना सकते हैं। लेट मी इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा पर्सन। अब चूंकि आपको पता है कि हमने ऊपर पर्सन में 2 पैरामीटर दिए थे, पहला फर्स्ट नेम था और दूसरा लास्ट नेम था, तो हमें अब यहाँ उनकी जगह 2 वैल्यू देनी होगी। और आप जानते हैं कि जब भी हमें लेटर्स यानी कि ABCD में हमें अगर कोई भी कैरेक्टर लिखना होता है तो हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहला पैरामीटर में दूंगा अपना फर्स्ट नेम यानी कि मोहित, दूसरा पैरामीटर कोमा देकर के मैं दूंगा अपना नाम पांडे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 स्ट्रिंग वैल्यू इसको दे दी, लेट मी करके फंक्शन को मैंने क्या दे दिया, 2 स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल डॉट टेबल कराता हूँ, कंसोल डॉट टेबल, एंड अब मैं जैसे ही यहाँ मी लिखूँगा तो आप देखना मुझे टेबल में डेटा मिलेगा, कंसोल डॉट मी, लेट मी इज इक्वल्स पर्सन एंड यहाँ हमें डेटा मिलना चाहिए था। एक सेकंड में ज़रा चेक करता हूँ यहाँ क्या मिस्टेक हुई है हमसे, ये हमारा बिल्कुल सही है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम,
एंड उसके बाद हमने यहाँ पैरामीटर्स में दो वैल्यू दिया एंड वैल्यूज हमें यहाँ मिल जानी चाहिए थी बट ये हमें नहीं मिल। ओके यस यस यस, न्यू कीवर्ड का हमें यहाँ यूज़ करना होगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड का हमें यहाँ यूज़ करना होगा। जैसे मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ मेरी गलती ठीक हो गई है। और अब ये देखिए मुझे ना टेबल के रूप में एक प्रॉपर डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये देखो इंडेक्स में जहाँ पहले हमें 0 1 2 3 मिल रहा था वहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम मिल रहा है, दूसरा हमें लास्ट नेम मिल रहा है और फिर हमें उसकी वैल्यू मिल रही है। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स मोहित, ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल्स पांडे। ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसा कि पैरामीटर में जो हमने फर्स्ट नेम लिखा था वो पैरामीटर हमें यहाँ मिला है फर्स्ट नेम, और उसकी जो हमने यहाँ यूज़र से वैल्यू भरवाई वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने लास्ट नेम पैरामीटर दिया था दूसरा, और उस पैरामीटर में हमने जो वैल्यू भरवाई वो हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से जब आपको डेटा को प्रॉपर टेबल के फॉर्म में शो करना हो तो आप कंसोल डॉट टेबल का उपयोग करते हैं। और फंक्शंस के साथ मैंने ये आपको यूज़ करके दिखाया है ताकि एक बार फंक्शन भी आपके रिवाइज हो जाए, पैरामीटर भी आपका रिवाइज हो जाए और कुछ नया भी आप सीखें इस वीडियो में। ठीक है, तो और आप एक चीज़ यहाँ देखिए, पहले हमें एरे मिल रहा था यहाँ, लेकिन अभी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ मिल रहा है। पर्सन लिखा हुआ मिलने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम पर्सन था और हम इसी फंक्शन का नाम हमारे पर्सन था और हम इस फंक्शन में इसके पैरामीटर्स में वैल्यू पास करा रहे थे। न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए हमने एक नया जो है ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, दैट्स वाई हमें इस प्रकार से डेटा मिला। सो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में, आपने कुछ सीखा होगा नया। सो बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।